सुप्रभात बच्चों, कृपया आप अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक लीजिए और पेज नंबर 32 खोलिए। अध्याय नंबर 5, विषय का नाम है दुष्टों की संगति। ठीक है, तो इस कहानी का भाग पढ़ने से हमें ये पता चलेगा कि हमें दुष्टों की संगति में रहना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और फिर जानते हैं। पुराने समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा था। एक दिन राजा ने किसी कारण से अपने राज्य की सैर करने का निश्चय किया। वो धनुष बाण लेकर पैदल ही सैर के लिए चल पड़ा। चलते चलते राजा थक गया, अतः वो बीच रास्ते में ही एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे उसे नींद आने लगी। उसने अपने धनुष बाण को बगल में रखा और चद्दर ओढ़कर सो गया। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। उस पेड़ की डाली पर एक कौवा बैठा था। उसने नीचे सोए हुए राजा पर बीट कर दी। बीट से राजा की चद्दर गंदी हो गई। राजा खर्राटे लेकर ले रहा था। उसे पता नहीं चला कि उसकी चद्दर गंदी हो गई। कुछ समय पश्चात कौवा वहां से उड़कर चला गया। कुछ देर बाद एक हंस उड़ता हुआ आया और वो उस डाली पर उसी जगह बैठ गया जहां पर कौवा बैठा था। जब राजा की नींद खुली तो उसने उठकर अपनी चद्दर देखी। चद्दर बीट से गंदी थी। राजा स्वभाव से बहुत क्रोधी था। उसकी नज़र ऊपर पेड़ की डाली पर पड़ी। डाली पर एक हंस बैठा हुआ था। राजा ने समझा कि ये सब इसी हंस की हरकत है, इसी ने चद्दर पर बीट की है। राजा ने क्रोध में आकर ना आओ देखा ना ताओ पेड़ की डाली पर बैठे हंस को अपना तीखा बाण चलाकर घायल कर दिया। हंस बेचारा घायल होकर नीचे धरती पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। वो तड़पते हुए राजा से कहने लगा, हे राजन, मैंने कौन सा अपराध किया था जो तुमने मुझे अपनी तीखे बाण का निशान बनाया है? मैं तो केवल स्वच्छ जल में रहने वाला प्राणी हूँ। ईश्वर की ये कैसी लीला है, सिर्फ एक बार कौवे जैसे दुष्ट प्राणी के स्थान पर बैठने मात्र से व्यर्थ में मेरे प्राण जा रहे हैं, फिर दुष्टों के साथ सदा रहने वालों का क्या हाल होता होगा। हंस ने प्राण छोड़ने से पूर्व राजा से कहा, हे राजन, आप अपनी प्रजा से जरूर कह देना कि दुष्टों की संगति मत करना, क्योंकि उनकी संगति का फल भी कुछ ऐसा ही होता है। राजा को अपने किए अपराध का बोध हो गया और वो प्रायश्चित करने लगा। राजा ने हंस को बचाने का पूरा प्रयास किया, परंतु उसे बचा ना सका। तो इस कहानी में एक राजा था जो कि किसी कारण से अपने राज्य की सैर करने के लिए निकला था और अपने साथ धनुष बाण लेकर भी वो निकला था। ठीक है, उसने चलते चलते राजा चला जा रहा था और चलते चलते बहुत थक गया। जब वो थक गया तो उसने एक पेड़ के नीचे विश्राम लेने के लिए सोचा। तो राजा ने क्या किया, उस पेड़ के नीचे विश्राम लिया और एक चादर और अपने ऊपर एक चद्दर ओढ़ दिया। तो उसी पेड़ की डाली पर एक कौवा बैठा था। तो एक कौवा ने क्या किया, उस पर पीट कर दिया, मतलब उस पर गंदा कर दिया। ठीक है, तो उसके गंदे करने से उसके बीट करने से चद्दर गंदा हो गया। लेकिन राजा उस पर खर्राटे लेकर सो रहा था तो उसे कुछ पता ही नहीं चला। तो कुछ देर बाद वो कौवा वहाँ से उड़ गया। लेकिन उसके उड़ने के पश्चात ही एक हंस आकर उसी डाल पर बैठ गया और उसी वक्त ही राजा की नींद भी टूट गई। तो उसने देखा कि वो चद्दर बिल्कुल गंदा हो गया है।
तो उन्होंने सोचा कि इस डाल पर जो हंस बैठा है वही हंस ने उनकी चादर गंदा किया है। राजा बहुत क्रोध स्वभाव के थे तो उन्होंने क्या किया, अपनी धनुष निकालकर एक तीखा बाण उसे मार दिया और वो बाण जाकर हंस को लगा और हंस नीचे गिरकर तड़पने लगा। तो फिर हंस ने राजन से पूछा कि राजन, मैंने क्या अपराध किया था कि आपने मुझे ये तीखा बाण मार दिया? मैंने तो सिर्फ कौए के समय तो जल में रहने वाला एक स्वच्छ पक्षी हूँ, मैंने सिर्फ कौआ जिस डाल में बैठा था उसी डाल में आकर बैठ गया, यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि बुरी संगत में रहने वालों को भी हमेशा बुरा ही माना जाता है। और उसी समय हंस ने राजा से कहा कि राजा, मेरी आपसे एक विनती है, आप अपने राज्यों के लोगों से कहना कि बुरी संगत में बिल्कुल ना रहे, क्योंकि अगर जितने भी वो अच्छे होंगे लेकिन बुरी संगत में रहने से उनको बुरा ही समझा जाएगा। फिर ये बात सुनकर राजा को अपने अपराध का बोध हुआ, उन्होंने उस हंस को बचाने की बहुत प्रयास की लेकिन अंत में हंस ने अपना प्राण त्याग दिया। तो बच्चों, हमेशा बुरी संगतों से दूर रहना और अच्छे लोगों की संगत में रहने की कोशिश करना, क्योंकि आप जितने भी अच्छे होंगे अगर आप बुरी संगत के साथ रहोगे तो लोग आपको हमेशा बुरा ही समझेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए और हंस और कौवे की ये मज़ेदार कहानी जानिए और हमेशा कोशिश कीजिए कि दुष्ट संगति से दूर रहें।